संगठन का विस्तार और संगठन की मजबूती तो लगातार चलती रहती है। आप देख रहे हैं कि लंबे चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव हुआ, प्रदेश स्तर पर भी बदलाव हुआ और जिला का भी संगठन में बदलाव हुआ। और उस कड़ी में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नेतृत्व ने बक्सर जिला का संगठन का जिम्मेवारी दिया, तो हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया था। और आज सभी पार्टी के जो पदाधिकारी, हमारे जिला कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोगों को आज हम बुला के और पार्टी के बारे में बताने का काम किया, उसको सम्मान देने का काम किया, उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया। नेशनल काउंसिल में बैठक में हम भी थे, हम भी उसका मेंबर हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और एनडीए के साथ वार्ता हो रही है, बीजेपी के साथ वार्ता हो रही है और सीट शेयरिंग के बाद वहाँ एनडीए के अंग है, इसलिए एनडीए के साथ लड़ेगी। अगर बात नहीं भी बनती है तो जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ेगी। और वहाँ ही नहीं लड़ेगी, जहाँ जहाँ प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना है जनता दल यू को, तो कई प्रदेशों में पार्टी को एमएलए चाहिए, तो वहाँ पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन राष्ट्रीय कौंसिल की बैठक में जो प्रस्ताव सर आप लोगों ने पास किया, उसमें जो पीएम मटेरियल और नीतीश कुमार का जो प्रस्ताव पास किया, पीएम मटेरियल एक क्वालिटी तो नेता में है। अब रही बात कि हम एनडीए के अंग हैं, हम हमारे नेता बार बार कहते हैं कि हम लोग एनडीए के अंग हैं, लेकिन जिसके अंदर क्वालिटी है, नीतीश कुमार जी के अंदर क्वालिटी है, वो पीएम मटेरियल का हर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी का वो पालन और योग्यता रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम तो मान सकते हैं। बनना नहीं बनना तो जनता के हाथ में है, पार्टियों के हाथ में है, लेकिन वास्तविक में पीएम मटेरियल है, इसमें कहीं ये कहा जाना सर कि जो नीतीश मॉडल की जो बातें हो रही थी, उसके बाद नीतीश जो मॉडल आया सुशासन की राज स्थापित हुई, तो नीतीश मॉडल केवल बिहार के नहीं पूरे देश का मॉडल बन गया है नीतीश मॉडल। देखिए, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कई एक बिहार की योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संचालित करने का काम किया, उसको अडॉप्ट करने का काम केंद्र सरकार ने भी किया है, कई राज्यों ने किया है, इसलिए बिहार से जो उत्पत्ति होती है, बिहार से जो विकास की योजनाएं संचालित होती है वो केंद्र तक जाती है, केंद्र उसको अपनाता है, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मटेरियल हैं। कोरोना काल से, लंबे समय से जो कोरोना काल चला, तो देश की आर्थिक व्यवस्था, तमाम फैक्ट्रियाँ और निचले स्तर पर भी बहुत आर्थिक कारोबार एक प्रकार से लचर व्यवस्था में हो गए थे, लेकिन उसमें सुधार हुआ, सरकार ने सहयोग किया, उसको एक प्रकार से फिर पुनः उसको संचालित किया गया। और उस कड़ी में मुझे नहीं लगता है आज बिहार के लोग जितने बाहर से आए थे वो प्रायः चले गए हैं, अपने कामों पर लग गए हैं। और बेरोजगारी तो एक प्रकार से बेरोजगारी की तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन जितना बिहार सरकार काम किया है बेरोजगारी दूर करने के लिए, शायद अन्य प्रदेश नहीं किया है, तो हर जगह रोजगार सृजन किया गया, हर लोग जो है आज अपना काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, मनरेगा की तहत लोग काम कर रहे हैं, नली गली योजना चला उसमें काम कर रहे हैं, अपने अपने मुख्यमंत्री जो है आपका बेरोजगारी भत्ता का भी व्यवस्था किया गया है। और उस कड़ी में सबसे कारगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि 10 लाख रुपये आज तो हर समाज के जो बेरोजगार लोग थे, जो रोजगार करना चाहते थे, उसके लिए 10 लाख रुपए का एक प्रकार से कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पर उसको पैसा दिया जा रहा है रोजगार सृजन करने के लिए। तो इसमें बहुत बड़ा काम बिहार सरकार ने किया है। प्रतिपक्ष का काम है सरकार को घेरने का, वो अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं और एन केन प्रकरण किस तरह हमें सरकार के बातों को, सरकार के कामों को कैसे हम उसको घेरें, ये नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, बिहार के हित में काम कर रही है। इन्होंने जो प्रोटोकॉल का सिस्टम दिखाया, मैं इनको दोबारा